इस दुनिया में हर आदमी आज के समय में धन की दौड़ में दौड़ रहा है। पैसे के लिए तो पहले भी बहुत दौड़ते थे, पहले भी खूब मेहनत करते थे, पर आजकल थोड़ी ज्यादा हो रही है कि नहीं? लंबी लंबी लाइनें लगी, सब धन की दौड़ में दौड़े। पर ध्यान रखना, सरकार ने केवल काले धन वालों को पकड़ने का मोर्चा निकाला है, काले मन वाले अभी भी सुरक्षित हैं। वहां सरकार ने काले धन पर छापा डाला है, तो इस पंडाल में हम काले मन पर छापा डाले। वो काले धन को सफेद करने में लगे हैं, हम काले मन को सफेद करने में लगे। खैर, जो वैसे मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, इस देश का और इस व्यासपीठ पर बैठे होने के कारण, ये जो भारतीय सरकार ने जो एक अहम फैसला इस समाज में देश के हित के लिए लिया है, मैं व्यक्तिगत विचार से, और शायद पूरा देश इस बात में सम्मिलित है, सहमत है, कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कदम इतिहास में उठाया गया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, आप सब भी इसमें सहयोग दें, खूब सहयोग दें। आप घंटे घंटे शराब की लाइनों में लगे रहते हो, तो एक दिन देश के हित के लिए लग जाइए। मूवी थिएटरों की लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे वो सैनिक उस सीमा पर खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आज हमारी बारी है अपने देश को कुछ देने की, और मुझे लगता है झांसी की धरती से ज्यादा राष्ट्रभक्ति और कहां हो सकती है, जहां रानी लक्ष्मीबाई का प्रागट्य है। इसलिए ये संदेश है समस्त देश को, इस झांसी की धरती से सब लोग सहयोग करें, सब लोग अपनी सहायता दें। उधर काला धन और इधर काला मन, उधर भी स्वच्छता अभियान है और यहां भी स्वच्छता अभियान है। वहां बाहर का स्वच्छता की जा रही है, और इस पंडाल में हम अपनी आंतरिक स्वच्छता को 7 दिन तक हाथ में झाड़ू लेकर के, झाड़ू क्या है यहाँ, झाड़ू कोई वो संसारिक झाड़ू नहीं है। यहाँ जब आप अपने हाथ में हरि नाम की माला लेके 7 दिन तक इस कथा को सुनोगे, तो अंदर की जितनी भी कलमश है, जितनी भी बुराइयां हैं, धुल के सब अपने आप बाहर निकल जाएगी।